नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डिमेलो वसई वटा। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, मैं वसई में रहता हूँ, कोस्टल एरिया में बारिश का मौसम है, तो एक फिश जो बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है बारिश में, वो है बोम्बिल। तो आज हम लोग एक फ्यूजन डिश बनाने वाले हैं बोम्बिल से, बोम्बिल चिली, बॉम्बे डक की चिली बनाने वाले हैं। आप लोगों ने चिकन चिली तो खाया रहेगा, तो आइए देखते हैं बोम्बिल चिली कैसे बनाते हैं और उसके बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए और अगले विधि आगे। तो इस बोम्बिल चिली को बनाने के लिए हमने बोम्बिल को पहले मैरिनेट करना है। उसके लिए हमने लिए हैं 12 से 15 मीडियम साइज्ड बोम्बिल। आप देख सकते हैं इस बोम्बिल को हम लोगों ने छोटे टुकड़े काटकर इसके बीच का जो काटा रहता है, बोन रहता है, उसको निकाल दिया ताकि खाने के वक्त आपके दांत के अंदर ना आ जाइए। और मैरिनेशन के लिए हमने लिए हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच घर का मसाला, स्वादानुसार नमक, और यह है जिंजर गार्लिक पेस्ट जिसमें हम लोग ने ग्रीन चिली भी डाली हुई है, कोरिएंडर लीव्स भी डाले हुए हैं। तो इसमें हम लोग डालेंगे अभी पहले हल्दी पाउडर, उसके बाद घर का मसाला, उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम लोग 10 से 15 मिनट तक फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से घुल मिल जाए, मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से लग जाए, और उसके बाद अगली विधि हम लोग शुरू करेंगे। तो 10 से 15 मिनट इस मिश्रण को फ्रिज में रखने के बाद ये अच्छे से मैरिनेट हुआ है। इसको हम लोग अभी डीप फ्राई करने के लिए, उसका जो कोटिंग है उसके लिए हम लोग अलग अलग फ्लावर्स यूज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले फ्लावर हम लोग यूज करेंगे वो है कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच, मैदा 1 चम्मच और आधा चम्मच राइस फ्लावर। तो इसको हम लोग ठीक से मिक्स करेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। दोस्तों इसमें जो राइस फ्लावर हम लोग ने डाला है वो एक क्रिस्पीनेस लाएगा हमारे बोम्बिल को। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे अभी फ्राई करेंगे। देखिए एकदम क्रिस्पी ऐसा हमें फ्राई करना है। अगर आपको डीप फ्राई नहीं चाहिए तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए, तो हम लोग ने शैलो फ्राई भी ट्राई कर रहे हैं हम लोग डीप फ्राई के साथ साथ। तो बॉम्बे डक्स को, बोम्बिल को इस तरीके से फ्राई करने के बाद लगभग पकौड़े जैसे इसको हम लोग ने फ्राई किया है। अभी वक्त है इसको पकाने का ठीक से बाकी इंग्रेडिएंट के साथ। तो बाकी इंग्रेडिएंट है 2 से 3 बड़े साइज के प्याज जिसको हम लोग इस तरीके से काटा है, ये आप देख सकते हैं ये साइज, और शिमला मिर्च जिसको भी हम लोग ने इस तरीके से काटा है। सो 2-3 बड़े शिमला मिर्च, उसके बाद सोया सॉस 1 चम्मच, टमाटो केचप 1 चम्मच और चिली सॉस 1 चम्मच। तो इसकी अगली विधि के लिए हम लोग ने लिए एक बड़े साइज की कढ़ाई ताकि आपको उसको मिक्स करने में आसानी हो। थोड़ा 1 चम्मच हम लोग ने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल, और उसमें हम लोग डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑयल थोड़ा गर्म होने के बाद, और थोड़ी देर गर्म होने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे प्याज। तो थोड़ी देर तक प्याज को पकाने के बाद आप देख सकते हैं इसको एक सुनहरा रंग आ चुका है। तो अभी वक्त है इसमें शिमला मिर्च डालने का, तो डालते हैं शिमला मिर्च और इसको भी थोड़ी देर पकाते हैं। तो दोस्तों अभी ये हमारा शिमला मिर्च और प्याज अच्छी तरीके से पक चुका है, आप देख सकते हैं। तो वक्त है अभी इसमें अपने सॉस डालने का। तो पहले डालेंगे सोया सॉस, फिर डालेंगे चिली सॉस और सबसे अंत में
टमेटो केचप। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर पकने देते हैं। आप देख सकते हैं इसको अभी थोड़ा चिली जैसा कलर आ चुका है। दोस्तों ध्यान दें कि हमें नमक की मात्रा ठीक से चेक करके ही नमक डालना है, अगर जरूरत है तो ही, क्योंकि ये सॉस जो है इसमें नमक रहता है, और जो बॉम्बे डक को हम लोग ने पहले मैरिनेट किया था उस वक्त भी हम लोग ने नमक डाला था, तो आप ध्यान देके नमक डालिए, नहीं तो नमक की मात्रा ज्यादा हो सकती है। तो अपना ये मिश्रण अच्छी तरीके से पक चुका है, अभी समय है इसमें बॉम्बे डक बोम्बिल को डालने का। तो बोम्बिल को हम लोग एक साथ नहीं डालेंगे, आप जानते हैं बोम्बिल एक बहुत ही नाजुक फिश है, ये चिकन जैसा हार्ड नहीं है, आप इसको एक साथ डालेंगे तो उसके टुकड़े हो सकते हैं, टूट सकता है, तो इसको मिक्स करने के टाइम भी आपको ध्यान देना है, धीरे से इसको मिक्स करना है। तो बोम्बिल को इसमें डालने के बाद इसको धीरे से आपको मिक्स करना है, धीरे धीरे मिक्स करना है ताकि ये बोम्बिल टूटे नहीं। ये देखिए, तो थोड़ी देर पकने के बाद अपनी बोम्बिल चिली तैयार है। दोस्तों ना तो इसमें हम लोग ने कोई आर्टिफिशियल कलर डाला है और ना ही अजीनोमोटो डाला है, क्योंकि बच्चे लोग खाने वाले, हम लोग खाने वाले, ये दोनों चीजें कलर और अजीनोमोटो अपने शरीर के लिए हानिकारक है, तो इसके बिना हम लोग ने ये बनाई है बोम्बिल चिली। तो आप ही इसको ट्राई कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए ये बोम्बिल चिली आपको कैसे लगी और आपका जो प्रयास है वो कैसे रहा।